तो पटना में कोरोना का संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। वैसे तो पूरे बिहार में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन राजधानी पटना में कुछ ज़्यादा ही है। और जो खबर आ रही है कि पटना राजधानी में 30% लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना के संक्रमण के बेलगाम होने के बाद पटना से जुड़ी जो खबर है वो पटना वासियों की नींद उड़ाने वाली है। शहर में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोज एंटीजन कोरोना टेस्ट हो रहा है, और इस कोरोना टेस्ट के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पटना एड्स 30% संक्रमित हो चुके हैं। 30% लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने का मतलब समझ लीजिए कि कितना खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कोरोना। पहले बुधवार को ये आंकड़ा 25% था, गुरुवार को 30% पर पहुँच गया, तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 721 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसके बाद इनमें से 494 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में 149 लोग संक्रमित पाए गए, जिन्हें होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जगह ही नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों में सबसे अधिक शास्त्री नगर में 19, जयप्रभा में 19, लुकनपुरा में 17, मारूफगंज में 12, पूर्वी लोहानीपुर में 12, चांदपुर बेला में 9 और गर्दनीबाग में 8 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं एंटीजन कोरोना टेस्ट के दौरान। पटना में 18 जुलाई से पटना के शहरी इलाकों में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये जांच शुरू की गई है। शुरुआती दिनों में 3 दिनों में रोज औसतन 300 मरीजों की जाँच हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे जाँच की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये बात साफ हो गई है कि राजधानी पटना में घर से निकलना आप खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 30% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। 100 में कौन 30 संक्रमित है ये पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक ही उपाय है कि घर में रहिए, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करिए, तभी आप बचेंगे और आपका परिवार बचेगा और हमारा बिहार बचेगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires, our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ। Thank you.